उन्हें सभी सीपीएस की नियुक्ति पर अंतरिम स्टे ऑर्डर की मांग की थी। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सीपीएस की नियुक्ति को लेकर, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की तरफ से लगाई गई हैं, आज सुनवाई होनी है और क्या कुछ आज अहम रहेगा कोर्ट की सुनवाई में? जस्मिन, हाई हिमाचल हाई कोर्ट में ये याचिका भाजपा की तरफ से लगाई गई है। सतपाल सत्ती और जो 11 अन्य विधायक हैं उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है और इसमें मांग की गई थी शुरुआत में कि सीपीएस की नियुक्ति अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला दिया गया था, कई अन्य राज्यों के हाई कोर्ट का हवाला इसमें दिया गया था और तुरंत प्रभाव से उनको जो शक्तियां अतिरिक्त सौंपी गई हैं उनसे हटाने की मांग की गई थी और संविधान का उल्लंघन इसमें बताया गया था और जिसमें ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अगर सीपीएस स्वतः रिजाइन नहीं देते तो फिर इनकी सदस्यता भी विधानसभा की जा सकती है। लेकिन मामला आगे बढ़ा, उसके बाद लगभग चार बार सुनवाई इस पूरे मामले पर हो गई है और जो पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान याचिका भाजपा की तरफ से, सतपाल सत्ती की तरफ से और अन्य विधायकों की तरफ से दायर की गई थी कि अंतरिम स्टे होना चाहिए, जब तक इस पूरे मामले का निर्णय नहीं हो जाता तब तक सीपीएस को उनकी शक्तियां प्रयोग करने से और जो एडिशनल बेनिफिट सीपीएस ले रहे हैं वो तमाम बेनिफिट रोके जाने चाहिए, चाहे वो फाइलें उनके माध्यम से होकर आती हैं आगे या फिर जो अन्य चीज़ें हैं जो सीपीएस होने के नाते उनको अन्य चीज़ें मिल रही हैं, अन्य शक्तियाँ मिल रही हैं, वो रोकी जानी चाहिए। इसको लेकर ये याचिका पिछली सुनवाई में थी जिसके ऊपर आज चर्चा होगी, क्या निर्णय कोर्ट इसके ऊपर देता है ये देखना होगा। इसके अलावा जो सीपीएस की पक्ष से, उनकी तरफ से जो उनके वकील थे उनकी तरफ से कहा गया था कि ये याचिका ही स्टैंड नहीं करती है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा दो और सीपीएस की तरफ से समय मांगा गया था, किशोरी लाल और संजय अवस्थी, इन दोनों की तरफ से कहा गया है कि विधानसभा का मानसून सत्र क्योंकि चल रहा था तो ऐसे में ये इस पूरे मामले पर तैयारी नहीं कर पाए हैं, रिप्लाई नहीं दे पाए हैं जो रिप्लाई कोर्ट की तरफ से मांगा गया है, तो अतिरिक्त समय इनको मिलना चाहिए ताकि ये आगे जाकर सही से रिप्लाई दे सके। तो इन दोनों पक्षों को आज कोर्ट की तरफ से सुना जाएगा और फिर अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या भाजपा की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसके ऊपर अमल करता है, उसके ऊपर कोई निर्णय देता है या फिर कोर्ट की तरफ से ये कहा जाएगा कि आगे जब तक पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो पाती तब तक किसी भी प्रकार का रिलीफ किसी भी पक्ष को नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा है क्योंकि सत्ता पक्ष को भी, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार अभी होना है, इसके अलावा अगर इसी बीच सीपीएस की कुर्सी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है तो फिर कई चीजें हम देख सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में भी बदल सकती हैं। बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि राजनीतिक गलियारों का जिक्र आपने किया है तो थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाएं और 2014 की बात करें तो राजेश धर्माणी ने लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आने थे उससे ठीक पहले त्यागपत्र दे दिया था ये कह के कि जो सीपीएस का पद है वो संवैधानिक नहीं है। ये भी क्या एक तथ्य इसमें हो सकता है इस पूरे केस में? और दूसरा ये कि जिस तरीके से कुल्लू से विधायक और सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने अपनी स्कॉर्पियो हाल ही में लौटाई है उसे भी इस सुनवाई से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि वो इनकार कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि राजनीति का भी जिक्र हुआ है तो इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। राजेंद्र, बिल्कुल जस्मिन, फॉर्च्यूनर उनको दी गई थी, फॉर्च्यूनर उन्होंने लौटाई है, हालांकि जो दूसरी गाड़ी है इनोवा वो उनके पास अभी भी है। अब इसके अलावा राजेश धर्माणी, उन्होंने काफ़ी पहले जैसे ही उनको सीपीएस बनाया गया था उसके करीब तीन महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया था और उस वक्त दो चीज़ें उन्होंने कही थी। पहली ये कि सीपीएस होने के नाते, क्योंकि एक ओहदा दिया गया है विधायक से अधिक होने का या कैबिनेट रैंक का, तो इस ओहदे के कारण उनकी जो सुनवाई तत्कालीन वीरभद्र सरकार में होनी चाहिए थी वो सुनवाई नहीं हो रही है, हाशिए पर उनको रखा गया है। और दूसरा ये कि जो दूसरे पक्ष हाई कोर्ट में जहां पर ये मामला लगा है, जहां पर दूसरे पक्ष हैं, चाहे वो भाजपा की तरफ से याचिका है या फिर स्वयंसेवी संगठन है एक उनकी तरफ से याचिका है, एक महिला भी हैं जिनकी तरफ से याचिका, तीन कुल याचिकाएँ हाई कोर्ट में हैं, लेकिन किसी भी याचिका में राजेश धर्माणी का जिक्र नहीं है इस पूरे मामले में, क्योंकि स्वैच्छिक उसको बताया गया था। उस वक्त भी राजेश धर्माणी ने अपना गुस्सा इस बात को लेकर जाहिर किया था कि उनकी सुनवाई वीरभद्र सरकार में ऐसी नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए, कारण यही था कि उनकी सीधी पहुंच
कांग्रेस पार्टी के हाईकमान तक थी, गांधी परिवार तक उनकी उस वक्त सीधी पहुंच थी और राष्ट्रीय सचिव उनको बनाया गया था कांग्रेस पार्टी का, तो वो तमाम आरोप उन्होंने उस वक्त भी लगाए थे। लेकिन जैस्मिन, इस पूरे मामले में अगर देखें तो अहम रहेगा सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसको किस प्रकार से प्रेजेंट हाई कोर्ट में किया जाएगा, उसके ऊपर बिल्कुल राजेंद्र अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला या फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन का हवाला इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से इन याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कोर्ट में होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार बने रहे हमारे साथ, आगे भी खबरों पर